दोस्तों, बाबरी मस्जिद के विध्वंस से लेकर राम मंदिर बनने तक मुसलमानों का एक तबका ऐसा भी है जो आज भी बाबरी मस्जिद के गिरने और राम मंदिर बनने का गम बना रहा है। लेकिन ऐसे लोगों को आईना दिखा रहे हैं देश के वह मुसलमान जो राम नाम की आराधना भी कर रहे हैं और राम मंदिर के बनने से खुश भी हैं। आपको बता दें कि राम मंदिर के उद्घाटन के लिए कोई लाखों रुपए का दान दे रहा है तो कोई पैदल अयोध्या की यात्रा कर रहा है ताकि वो श्री राम का भव्य स्वागत कर सके। दोस्तों, देश के हिंदू ही नहीं बल्कि इस ऐतिहासिक जश्न में कुछ मुस्लिम भाई और बहन भी शामिल हो रहे हैं जो न सिर्फ भगवान श्री राम के लिए लाखों रुपए का दान कर रहे हैं बल्कि अयोध्या पहुंचने के लिए पैदल यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। कौन है वह मुसलमान जो खुद को कहते हैं सनातनी और करते हैं भगवान श्री राम के नाम का जाप? और दुनिया में कुछ ऐसे भी मुस्लिम देश हैं जो राममय हो चुके हैं, तो आइए जानते हैं भारत के अलावा वो कौन से देश है जो श्री राम के रंग में रंगने को तैयार बैठे हैं। बताएंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप श्री राम जी को मानते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राम। दोस्तों, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। इस बात की खुशी पूरे देश को है, लेकिन देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अयोध्या और राम मंदिर को अपने निशाने पर लिए बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले ही दिनों कुछ ऐसी खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान की साजिश के तहत कुछ लोग राम मंदिर और अयोध्या को बम से उड़ाने की साजिश रच रहे थे। हालांकि ऐसा करना तो दूर राम मंदिर और अयोध्या की तरफ आंख भी उठाकर कोई नहीं देख सकता। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर देश की बड़ी बड़ी सुरक्षा एजेंसियां तैनात की गई हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि पूरे अयोध्या में ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। दोस्तों, अयोध्या में 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने वाला है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ 22 जनवरी को अयोध्या में मौजूद होंगे। राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से किया जाएगा। इस समारोह में देश की जानी मानी हस्तियां भी राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होंगी, लिहाजा अयोध्या की सुरक्षा के लिए जगह जगह पुलिस तैनात की गई है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर भारत में हर तरफ जश्न का माहौल है। अयोध्या में धूमधाम से तैयारी की जा रही है। वहीं विदेशों में भी राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर भारतीय मूल के लोगों में उत्साह का माहौल है। इस बीच संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों ने एडिसन न्यू जर्सी में एक कार रैली का आयोजन किया। रैली में 350 से ज्यादा कारों ने हिस्सा लिया। हिंदू समुदाय के लोगों को भगवान राम की तस्वीर वाले झंडे और सड़कों पर कतार में खड़ी कई कारें दिखाई दीं। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले दुनिया भर में चल रहे कार्यक्रमों और समारोहों के बीच विश्व हिंदू परिषद US चैप्टर ने पूरे अमेरिका के हिंदुओं के साथ मिलकर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 10 राज्यों और उससे अधिक में 40 से अधिक होर्डिंग लगाए हैं। टेक्सास, इलिनॉइस, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और जॉर्जिया सहित अन्य राज्यों में बिलबोर्ड बढ़ गए हैं। इसके अतिरिक्त विहिप अमेरिकी शाखा के अनुसार एरिजोना और मिसौरी राज्य सोमवार 15 जनवरी से शुरू होने वाले इस दृश्य उत्सव में शामिल होने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, अमेरिका में भी हिंदू अमेरिकी समुदाय ने कई कार रैलियां आयोजित की हैं और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए कई और कार्यक्रमों की योजना बनाई है। इस बीच मॉरिशस सनातन धर्म मंदिर महासंघ के अध्यक्ष भोजराज घोरबिन ने बताया कि मॉरिशस के सभी मंदिर 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में रामायण जाप का आयोजन करेंगे और उत्सव मनाएंगे। उन्होंने कहा, मॉरिशस में हमारे सभी हिंदू भाई बहन आजकल एक अलग मूड में हैं। 15 जनवरी को संक्रांति से मॉरिशस में हमारे सभी मंदिर रामायण का जाप कर रहे हैं और विशेष रूप से 22 तारीख को हम कर रहे हैं, वैसे ही जैसे हम दिवाली मनाते थे। मॉरिशस में हम दो दिवाली मना रहे हैं। उन्होंने कहा, पहली दिवाली 22 जनवरी को है और दूसरी दिवाली 31 अक्टूबर को है। हम इसे वैसा ही करेंगे जैसा कि हम सभी जानते हैं। 14 साल के वनवास के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या आ रहे हैं। दोस्तों, 500 साल के इंतजार के बाद राम लला अपने महल में विराजित होंगे। ऐसे में इस तारीख को सुनहरे अक्षरों में याद किया जाएगा। यही वजह है कि श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए देश विदेश के 5 लाख मंदिरों में लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। मंदिरों में LED के माध्यम से सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा ताकि बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक इस ऐतिहासिक पल को साक्षी बन सके। भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका,
ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मॉरिशस, आयरलैंड, फिजी, इंडोनेशिया और जर्मनी देशों के मंदिरों और अन्य स्थल पर बड़े पैमाने पर रामलला का कार्यक्रमों का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। न्यूयॉर्क शहर में प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर श्रीराम मंदिर का उद्घाटन दिखेगा। दोस्तों, यह बात तो आपको भी मालूम है कि इस्लाम में कट्टरता कितनी ज्यादा है। इस कट्टरता के चलते ही मुसलमान अपने हिंदू भाई बहनों को ना तो उनके त्योहारों पर विश करते हैं और ना ही खुद उन त्योहारों का जश्न मना सकते हैं। एक तरफ जहां भारत में कट्टर मुसलमान की कोई कमी नहीं है, जो वक्त बे वक्त भारतीय मुसलमान को इस्लाम का हवाला देते हुए कट्टरता के लिए उकसाते रहते हैं, तो वहीं कुछ मुस्लिम ऐसे भी हैं जो इस कट्टरता को नहीं मानते और वही करते हैं जो इंसान होने के नाते उन्हें करना चाहिए। ऐसे मुसलमान खुद को सनातन मुस्लिम कहते हैं, जैसे कि शबनम शेख। जी हां दोस्तों, मुंबई से अयोध्या के लिए पैदल निकली शबनम शेख भले ही एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुई और पली बड़ी है, मगर वह बचपन से ही रामायण महाभारत देखती आ रही है और यही वजह है कि हिंदू धर्म ग्रंथों के लिए उनके दिल में बहुत प्यार और सम्मान है। खास तौर पर शबनम शेख श्री राम की भक्त है और कहती हैं कि श्री राम की भक्ति करने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है, क्योंकि भगवान श्री राम तो सब भारतीयों के हैं, फिर चाहे कोई हिंदू हो या कोई मुसलमान। दोस्तों, देश में ऐसे कई मुसलमान हैं जो शबनम शेख की तरह खुद को सनातनी मुसलमान कहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या में बने राम मंदिर के निर्माण के लिए दुनिया भर के हिंदुओं ने करोड़ों दान दिया है। इसके अलावा देश के मुसलमानों ने भी अयोध्या में बन राम मंदिर के लिए भारी संख्या में आगे जाकर लाखों रुपए दान दिया है। आपको बता दें कि काशी प्रांत के 22 मुस्लिम परिवारों ने भी एक कार्यक्रम के दौरान एक साथ मिलकर अयोध्या में बन रहे मंदिर के निर्माण के लिए लाखों रुपए दान दिए हैं। देश के पूरी तरह से राममय हो जाने की वजह से पूरे देश में आज सिर्फ श्री राम का जाप हो रहा है। जी हाँ, इसके साथ ही श्री राम के भव्य उद्घाटन की ओर टकटकी लगाए सब बैठे हुए हैं। जो लोग मंदिर के उद्घाटन को लेकर गलत बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें आईना दिखाने का काम भी कुछ मुस्लिम कर रहे हैं। दोस्तों, यह आज के भारत के मुसलमान हैं जो कट्टरवाद को चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ मुट्ठी भर मुस्लिम ना तो पूरे इस्लाम और ना ही सभी मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, काशी प्रांत के 22 परिवारों के साथ साथ इनकारा खान नाम की एक लड़की ने भी अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए दान दिया है। इसके अलावा इनकारा खान ने अपने हाथ पर श्री राम का टैटू भी बनवाया है। इनकारा खान खुद को भगवान श्री राम का भक्त बताती है और कहती हैं कि उन्हें अयोध्या में राम मंदिर बनने की बहुत खुशी है। इसी कड़ी में आगे बात करते हैं भारत के पड़ोसी हिंदू राष्ट्र नेपाल की, जो अयोध्या में बन रहे राम मंदिर उद्घाटन से सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। दोस्तों, राम मंदिर के उद्घाटन को देखने के लिए आप कितने उत्साहित हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।